हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैट लिपस्टिक के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि मैट लिपस्टिक को लगाना बहुत ही टफ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैट लिपस्टिक लगाने से क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैट लिपस्टिक लगाने से पैचेस बन जाते हैं, हमें अपने होंठ जो है, लिप्स जो हैवी हैवी दिखते हैं। तो आज मैं उनसे रिलेटेड आपको टिप्स देने जा रही हूँ जिसके कारण ये सब आपके साथ होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही आपके काम भी आएगी। लेकिन इसे बताने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी रेमेडी मिस ना कर पाएं। तो चलिए देखते हैं कि मैट लिपस्टिक की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जब हम मेकअप करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं और हम मैट लिपस्टिक को खोलते हैं और जैसे दूसरी लिपस्टिक लगाते हैं ऐसे ही मैट लिपस्टिक को भी लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिप्स जो है ड्राई होते हैं। ड्राई लिप्स के ऊपर जब आप मैट लिपस्टिक लगा देते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ही क्रैक्स वाली लगती है। लेकिन अब आप पूछोगे कि जिनके लिप्स ड्राई हैं वो क्या करें, तो क्या वो मैट लिपस्टिक लगा ही नहीं सकते? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मैट लिपस्टिक को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का एक अलग तरीका है। तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये मैट मी की मैट लिपस्टिक ली है, मुझे बहुत पसंद है, रेड कलर है ये, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये इसका कलर है, बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको तरीका जो बताऊंगी वो आपको बहुत इजी लगेगा। इजी इसलिए लगेगा क्योंकि आपके पास हर चीज होगी घर में, आपको स्पेशल जाना नहीं पड़ेगा कुछ भी लेने। ये है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, अक्सर ये सबके घर में होती है। अगर ये नहीं है तो लिप बाम, जैसे मैंने ये मॉइस्चराइजर लिया है, मॉइस्चराइजर स्टिक है, ये इम्पोर्टेड है, तो आप यहाँ की भी ले सकते हैं, इंडियन भी बहुत आती है। लिप बाम, तो लिप बाम भी तकरीबन हर घर में होती है, तो आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ है आप उसके साथ काम चला सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि वैसलीन को हमने कैसे यूज़ करना है। तो ये एक मैंने टूथब्रश लिया है, तो टूथब्रश के ऊपर हमने लगानी है हल्की सी वैसलीन। इस वैसलीन को टूथब्रश पे लगा के हमने अपने होंठों को रब करना है। रब करने के साथ जैसे कि हम फेस पे स्क्रब करते हैं वैसे ही हमने होंठों को स्क्रब करना है, सिर्फ एक मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं करना। रब करने के बाद इसको, उसके बाद हमने एक टिश्यू लेना है, टिश्यू से हमने अपने होंठों को साफ कर देना है। तो हमारे होंठ साफ हो गए तो उसके ऊपर जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। इसके बाद हमने आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे, जब हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, हमारे होंठ जो है, हमारे लिप्स जो है वो सॉफ्ट दिखने लग जाते हैं, तो उसके बाद हमने लेना है कोई भी मॉइस्चराइजर या लिप बाम। अगर आपके पास लिप बाम भी नहीं है, मॉइस्चराइजर भी नहीं है, तो आप पेट्रोलियम जेली को दोबारा ले सकते हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स पहले इस तरह से बताती हूँ कि आपने रब जो करना है वो इस तरह से करना है। इस तरह से आप रब करेंगे लिप्स के ऊपर, तो ये हमने रब कर दिया है। तो हमने अब लिया टिश्यू, टिश्यू से हमने इस तरह से साफ कर दी। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि हमारा इस एरिया और इस एरिया में बहुत फर्क है, ये एरिया हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। लेकिन इसके बाद अगला स्टेप जो हमने करना है, जो मैंने आपको बताया है, मॉइस्चराइजर लिप बाम वाला। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर लिप बाम नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मॉइस्चराइजर है, तो इसको हमने इस तरह से लिप्स पे लगा लेना है। हम ये लिप्स पे लगा लिया लेकिन इसको उतारना नहीं है। तो अब अगला स्टेप ये आएगा कि अगर आपके होंठ काले हैं, अक्सर क्या होता है कि एक बार हम कहते हैं कि लिपस्टिक का कलर तो ये था बट होंठों पे लगाया तो कलर कुछ और हो गया। उसका कारण क्या होता है, कई बार हमारे लिप्स जो है वो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, तो डार्क कलर के होने के कारण उसके ऊपर लिपस्टिक का कलर वो नहीं आता जो कि नेचुरल होता है। तो ये मैंने क्राइलोन का लिया है, 626B नंबर नोट कर सकते हैं। कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, आपके पास कंसीलर नहीं है आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, फाउंडेशन तो हर घर में होती है। तो आप मान लो आपने फाउंडेशन लिया है इस तरह से, तो आपने लिप्स के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। इसको लगाने के बाद आपका जो होंठों का कलर है वो नेचुरल हो गया, मतलब उसके ऊपर जो कालापन है वो नहीं दिखेगा। अब आगे लिपस्टिक लगाने की बारी, नेक्स्ट स्टेप जो है लिपस्टिक लगानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि लिपस्टिक के साथ आप पहले तो आउटलाइन दे दें। मान लो आपके होंठों का ये शेप है,
तो ये आपने आउटलाइन दे दी इसी के साथ। अब आपने दोबारा दोबारा इसके अंदर से नहीं निकालनी। कई बार लोग क्या करते हैं कि दो दो तीन तीन बार लिक्विड लिपस्टिक को लगाते हैं ब्रश पे और उसको लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से ही आपके जो लिप्स हैं हैवी लगने लग जाते हैं, यानी पैचेस बनने लग जाते हैं। तो हमने इसी लिपस्टिक को इस तरह से सेंटर में लिप्स के ऊपर रब कर लेना है। तो इस तरह से लिपस्टिक अगर आप लगाओगे तो ना तो आपके दिखेंगे क्रैक्स और ना ही आपके लगेंगे पैचेस और ना ही आपको अपने होंठ लगेंगे हैवी और ना ही सूखी लगेगी बिल्कुल। मॉइस्चराइज होंठों को करना बहुत ज़रूरी है। जिनके ड्राई हैं, जिनके बहुत ऑयली या बहुत पिंकिश हैं, उनको फाउंडेशन या कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट जिनके होंठ जो हैं वो ड्राई हैं, उनको सारे ये स्टेप करने हैं। इन स्टेप को करने के बाद ही आप जो लिपस्टिक है वो लगाएं, ऐसे ना लगाएं। और अगर ऐसे आप लिपस्टिक इन स्टेप के साथ लगाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत अपने होंठ जो है सॉफ्ट लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने लिपस्टिक लगा रखी है। तो ये तो हमने लिपस्टिक लगा ली। अब क्या होता है कि जब एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब हम पार्टी फंक्शन से आए तो हमने अपनी लिपस्टिक को उतारना भी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि कॉटन ली या हैंकी लिया या टिश्यू लिया, उसके साथ रगड़ रगड़ के साफ करना शुरू कर दिया। तो उससे हमारे होंठों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हमारे होंठ बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं साफ करनी। इसको उतारने का भी एक तरीका जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपने उतारने के टाइम भी इस तरह से हाथ पे पेट्रोलियम जेली लेनी है। पेट्रोलियम जेली को इसके ऊपर इस तरह से, अभी ये सूखी नहीं थी, सूखने के बाद ये फैलेगी नहीं, इस तरह से आपने पेट्रोलियम जेली को लगा लेना है और टिश्यू लेना है और टिश्यू से ये कर देनी है साफ। तो इससे अगर आप साफ करेंगे तो आपके जो होंठ हैं वो ड्राई नहीं होंगे और लिपस्टिक का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बहुत ही इजीली आपकी लिपस्टिक उतर भी जाएगी और आपके होंठ भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है। इस तरह से आपने एक बार उतारने के बाद हल्की सी मसाज दे देनी है। पेट्रोलियम जेली की ही मैंने वैसलिन की ही मसाज दे दी है। हल्की मसाज दे के इसको फिर टिश्यू से आपने इस तरह से साफ कर देना है। तो इस तरह से आपके होंठ साफ भी हो गए और मॉइस्चराइज भी हो गए और आपको ये शिकायत भी नहीं रहेगी। अक्सर हमारे होंठ ड्राई होने का कारण यही होता है कि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो लगा लेते हैं, लेकिन जब उतारते हैं तो हम केयर नहीं करते, हम उसको रगड़ के उतार देते हैं। तो खास ये जो लिपस्टिक्स हैं लिक्विड वाली, इनको आपने कभी भी रब करके नहीं उतारना, इनको आपने मॉइस्चराइजर से या पेट्रोलियम जेली से ही उतारना है। ये प्रिकॉशंस आपने जरूर लेना है, आपको कोई भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी। लिपस्टिक लगाने के टाइम कई बार ऐसा होता है कि लिपस्टिक जो है हमारी थोड़ी सी बाहर लग जाती है, आपके पास कोई चीज नहीं है उसको उतारने के लिए, साफ करने के लिए। तो ये ईयरबड्स सबके घर में होते हैं, आप ईयरबड्स लें और साइड से बिल्कुल इसी तरह से इसको उतार लें और उसके ऊपर दूसरी साइड से हल्का सा फाउंडेशन लगाएं और जहां से उतारी है वहां इस तरह से फाउंडेशन लगा के रब कर दे। तो आपकी लिपस्टिक जो है बाहर जो लगी है वो बिल्कुल साफ भी हो जाएगी और उसके ऊपर कलर भी नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये जो वीडियो है बहुत पसंद आएगा, आपके बहुत काम आएगा। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है, मेरे भी नोन के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैट लिपस्टिक जो है बहुत टफ होती है, यानी लिक्विड लिपस्टिक जो है बहुत टफ होती है लगानी, इनको लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, होंठ को बहुत ड्राई कर देती है। तो आज मैंने उसी से रिलेटेड आपको सारे टिप्स दिए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें और मुझे बताएं जरूर कि आपके ये वीडियो कितने काम आई, आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय।